वेलकम आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल से देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि रशिया का ओपन वर्क वीज़ा कैसा क्या होता है। तो यहाँ पे जो फोटो वगैरह आएगी मैं नाम डिटेल वगैरह हाइड कर दूंगा, क्योंकि कईयों को जो भाई लोगों को यकीन नहीं होता कि कैसा क्या होता है और आपने जैसे क्या मतलब कैसा दिखता है, तो वो देखने को मिलेगा। बाकी चलो आगे बात करते हैं, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना और अभी मैं आसपास का वेदर वगैरह चेकआउट कराता हूँ, फिर आगे मिलते हैं। यहाँ पे देखो ऐसा कुछ सीन है, यहाँ पे ये फाउंटेन वगैरह है और यहाँ पे ऐसा बोटिंग का एरिया है। मतलब यहाँ पे मैंने काफ़ी जो है दो तीन वीडियो रिकॉर्ड किया अभी और काफ़ी मस्त, आपने पुरानी वीडियो के अंदर देख भी लिया होगा कि कैसा क्या यहाँ पे सीन है। और उस साइड देखो यहाँ पे लोग जा भी रहे हैं, चला भी रहे हैं। उस साइड देखो बड़ी बड़ी दूसरे वाली भी शिप हैं और ये छोटी प्राइवेट है यहाँ पे। और ये फाउंटेन वगैरह ये देखो कितना मस्त लग रहा है। सो देखो अभी मैं बात करता हूँ कि जो अपना क्या बोलते हैं जो वीज़ा वगैरह है ना, देखो यहाँ पे साइड में फ़ोटो आ जाएगी, मैं लगा दूंगा। तो जो ये ओपन वर्क वीज़ा रहता है ये 3 साल का रहता है, मतलब 2-4 दिन तो देखो ऊपर नीचे चलता है लेकिन मोस्टली 3 साल का रहता है ये। और ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, आपके पासपोर्ट के ऊपर एक बारी लगता है 3 साल के लिए। आप यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम तक रह सकते हो और कितनी बारी आना जाना हो सकता है आपका, मतलब मर्जी आप जा सकते हो और काम वगैरह इसमें अनलिमिटेड काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है यार। ये जो है अब मैं बात करता हूँ ये वीज़ा इशू कैसे होता है। आप सभी सोचते हो कि कैसे क्या, देखो ये कंपनी आपका जो है आपकी डिटेल वगैरह लेती है, कंपनी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में आपको जो है वो अब फाइल करती है, फाइलिंग वगैरह करती है, फिर वो बताती है कि ये क्लाइंट है, हम इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, मतलब कंपनी का ही सारा काम होता है। वो आपको इनवाइट करती है और कंपनियां ही ये वीज़ा लगवाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट कंपनी है ऐसे लगा दिया, नहीं, पूरी गवर्नमेंट से अथोराइज वगैरह हो गए, सब कुछ जो है जेन्युइन काम करके फिर लगता है आपका ये। तो ये काफ़ी मतलब एक फ्री वीज़ा हो गया, मतलब इसमें वो ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टूडेंट वीज़ा पे आना है। यहाँ पे आप अनलिमिटेड टाइम तक मतलब 3 साल तक कहीं भी रह सकते हो विद डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, मतलब आप कहीं पे भी रह सकते हो। मान लो आपका जी कर रहा है 1 महीने यहाँ पे जॉब करनी है, 6 महीने सेंट पीटर्सबर्ग में जॉब करनी है। तो देखो अभी बात करते हैं, ये मतलब जेन्युइन है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि फ्रॉडबाजी जैसे फ्रॉड वगैरह हो जाएगा, नहीं, पूरा प्रॉपर वीज़ा लगता है आपका और आप अपनी मर्जी है कि किस टाइम पे कहाँ पे जॉब करनी है। तो ये मतलब काफ़ी सही लगा यार मेरे को, मान लो जिनको स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं आना। और इसमें जो एज वगैरह की लिमिटेशन वगैरह कुछ नहीं होती, मतलब मिनिमम आपको 18 इयर्स है और अब तो आपका चल जाएगा। और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में इसमें आपका ओनली पासपोर्ट लगता है और बस ये लगता है इसके अंदर, तो वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 3 मंथ्स का रहता है यहाँ पे, क्योंकि सारा वेरीफाई करते हैं तब होता है। तो यार ये इन्फॉर्मेशन थी, बाकी जो है ये काफ़ी है। बाकी चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आप सभी का रिस्पांस मिल रहा है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, लव फ्रॉम रशिया, बाय बाय।